तो दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक पे एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, मैं चाय और मैगी दोनों बना लेता हूँ, कुछ इस तरह के एक डायलॉग है, इस तरह की वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो पे 6 मिलियंस व्यूज आ चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, इसी साउंड पे कुछ इस तरह से एक वीडियो शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वीडियो को किस प्रकार आपको एडिट करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है, तो मैं 15 से 20 सेकंड तक रहने देता हूँ। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पे कर देना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पे वीडियो को आपको देखना है 21 से 22 सेकंड तक रहने देना है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पर आता हूँ, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। वीडियो को मैंने शूट कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पर मैंने वीडियो को शूट किया था। इस वीडियो को मैंने टिकटॉक साउंड से ही शूट किया था और इस वीडियो को मैंने प्राइवेट में अपलोड कर दिया था, इसके बाद उस वीडियो को डाउनलोड कर दिया हूँ। तो इस तरह से आप भी चाहे तो वीडियो को शूट कर सकते हैं या फिर एक मोबाइल फोन में सॉन्ग को प्ले करना है और दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो को प्ले कर देना है। इस तरह से यदि वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, 3:2 लेफ्ट कर देंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है 3:2 राइट कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट को भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिंपल वीडियो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। इसके बाद जो हमारा ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है, कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। फाइनली जब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो हमारे वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इस वीडियो पे 6 मिलियंस व्यूज आ चुका है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक चेंज व्यूज आ सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करना है, आई डू फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।